हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है 98.2 एफएम उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों की एकमात्र धड़कन, और मैं हूं आपका अपना आरजे क्रिश। हर संडे की तरह आज भी लेकर आया हूं आपके लिए एक खूबसूरत प्यार की कहानी, और कहानी के एंड में आप सुनेंगे एक प्यारा सा गाना। ये कहानी है दो ऐसे योद्धाओं की जिन्होंने कोई युद्ध करके सल्तनत तो हासिल नहीं की, लेकिन अपने ख्वाबों को पाने के लिए अपनी जिंदगी से हर संभव युद्ध किया, जिसमें एक ने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने काम से की और उस काम को पाने के लिए अपने रिश्तों को भी छोड़ा, और दूसरे ने अपने एक रिश्ते को बचाने के लिए अपने सारे जीवन का खुशी खुशी बलिदान दिया। यार सूर्या, पूरे ऋषिकेश में इतने सारे रिजॉर्ट है, पर तूने इतनी दूर आकर इसे ही क्यों चुना यार? हाँ हेलो, कैसा है, कहाँ है तू? मैं यहाँ आ चुका हूँ ऋषिकेश में यार। When are you coming to meet me भाई? बहुत अच्छा लगा सुनकर कि तू यहाँ वापस आया, कल शाम आता हूँ। ठीक है भाई, see you। अबे सूर्या, तू और तेरी गाड़ी कहाँ है? और तुम हमसे इतना पीछे कैसे रह गए? मैंने कहा भी था ना कि साथ साथ चल। तुम लोग पहुंचो, मैं आता हूँ। और हाँ, कृष्णा भी आ रहा है कल सबसे मिलने। वही कृष्णा ना, जिसके किस्से तू हमें पिछले एक साल से सुना रहा है। कृष्णा तेरा दोस्त, कृष्णा तेरा भाई, कृष्णा सबसे बढ़िया डांस टीचर है, कृष्णा की मोहब्बत और ब्ला 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 ब्ला। अली ऐसा ना बोल यार। चल ठीक है, तू आ टाइम से, आई एम वेटिंग। एनीवेज, शाम बहुत हो चुकी है, ट्रेवल भी काफी लंबा था, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। सी यू इन द मॉर्निंग। अच्छा वैसे ये सारे लोग सो चुके हैं ना? इन्हें कहना टाइम पे सो जाए, वरना इन्हें नहीं तो फिर सुबह सुबह नहाने आने का बहाना मिल जाएगा। डोंट वरी यार, सब लोग ऑलरेडी रेस्ट कर रहे हैं। चलो ठीक है। सूर्या भले एक डांस टीचर क्यों ना हो, लेकिन अभी वो इस बात से अनजान है कि 1000 लोगों की भीड़ में जो अपने कपड़े और अपने स्टाइल से अलग ही पहचाना जाए, वो एक डांसर होता है। और अगर एक ही जगह सारे के सारे डांसर एक साथ इकट्ठे हो जाएं, तो फिर कौन सोता है रे? अरे ओ जाने मन, बाहर निकल, आज चुम्मा है, चुम्मे का वादा है। अरे यार अपना म्यूजिक बंद करो, मुझे सोने दो। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। तू ये ले अपनी चाबी और वो रहा सामने का गेट, चल अब निकल यहाँ से, मुझे सोने दे यार। तूने वो डांस वीडियो देखी YouTube पर? चल चल, बढ़िया थी ना भाई। देख क्या सब कर तू भी ना यार। ए सूर्या, यहाँ अकेला क्यों बैठा है? इस छोटी सी जिंदगी में हम अपना पूरा समय दूसरों को दे देते हैं, तो खुद के लिए वक्त ही नहीं बचता, इसलिए आज मैं अपने आप को वक्त दे रहा हूँ। अरे यार ये फिर से शुरू हो गया। तू चुप हो। वैसे सूर्या ये जगह बिल्कुल मस्त है ना? अरे भाई यहाँ मेरी गर्लफ्रेंड साथ होती तो और मजा आता। भाई मुझे तो रातों में अलग ही ताली पीटने की वजह रही थी यार, बराबर वाले कमरे से, बड़े अजीब लोग थे यार। भाई कहीं आवाज ऐसी तो नहीं थी? हाँ भाई तुम्हें कैसे पता? अरे तो ज्यादा दिमाग मत लगा और तुम सब इसको परेशान करना बंद करो। हाँ यस गाइस,
तुमसे वैसे तंग करना बंद करो यार। सूर्या, हम सब यहाँ खड़े रहेंगे, कुछ करेंगे भी। ओके, तो तुम सब यहाँ पर पहली बार आए हो, तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना थोड़ा डांस हो जाए। अरे यार सूर्या, मैं भी एकदम यही बोलने वाला था। तो चलो एक छोटी सी बैटल ही करते। हाँ, वैसे भी हारना तो तुझे ही है। मैंने हारूंगा। सुनो सुनो, म्यूजिक लगाओ, बेजुबान लगाओ, एबीसीडी वाला। अरे यार सूर्या, मैं भी एकदम यही बोलने वाला था। नाची नाची लगाओ। ओ हेलो, ना ही बेजुबान ना ही नाची नाची, वी विल डू समथिंग न्यू टुडे।
बैटल के बाद सूर्य और कृष्णा की मुलाकात भी हुई। कृष्णा ने सभी के सामने सबसे बेस्ट डांस टीचर होने का प्रमाण भी दिया, जिससे सभी लोगों के मन में उसके लिए ना ही केवल इज्जत बढ़ी बल्कि सूर्य के सुनाए हुए कृष्णा के हर एक किस्से से सब खुद वाकिफ हुए। ये है कृष्णा, जिसकी जितनी तारीफ आपने अभी तक सुनी उससे कई ज्यादा गुना दर्द वो अपने जीवन में अपने साथ लेकर चल रहा है। आ गया, अरे देख लो मेरे भाई आ गया, चला। वाह, 1 2 3 4 5। दिवनीति, दिवनीति कहाँ ध्यान है? चलो यार, तुम लोग मुझे एक बात बताओ, कृष्णा इतना टैलेंटेड होने के बावजूद भी यहाँ अपनी लाइफ की वाट क्यों लगा रहा है? यार ये तो है, अगर यही कृष्णा हमारे साथ शहर में होता तो बात ही कुछ और होती। सही में यार, सूर्य का डांस टैलेंट और कृष्णा का दिमाग, अरे हम होल एंड सोल पावर के साथ सबकी वाट लगा देंगे। अरे भाई मुझे तो साफ साफ लगता है कि इस कृष्णा की लाइफ में जरूर कोई गोपी है जो उसकी लाइफ से खेल रही है, और ये जितना शरीफ दिख रहा है ना उतना है नहीं। यार तू खुद लौंडियाबाज है, इसलिए तू सबको अपनी तरह समझता है, हट साले। चलो एक काम करते हैं, खुद उससे जाकर पूछते हैं। चलो चल चल यार, चलते हैं। कृष्णा तुम सब कुछ भूलकर हमारे साथ क्यों नहीं चलते? वैसे भी इस हादसे को काफी समय हो चुका है, तुम्हें अपने फ्यूचर के बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। बिल्कुल सही, इतनी खूबसूरत जगह पे होने के बाद भी तुम्हारे अंदर एक अजीब सी हलचल महसूस होती है। अब तुम ये सब छोड़ो और हमारे साथ शहर चलो, जो टीचिंग का तरीका तुम्हारे पास है उसकी हमें जरूरत है। नहीं यार, मैं इस जगह को छोड़कर कभी नहीं जाना चाहता। इस जगह के साथ मेरी वो खास यादें हैं जिनके साथ मैं हमेशा रहना चाहता। लेकिन कृष्णा, ऐसे भी आखिर कौन सी यादें हैं जिनके लिए तुम अपना करियर सैक्रिफाइस कर रहे हो? उस कृष्णा की कहानी हम सबने सुनी है, लेकिन इस कृष्णा की कहानी में ऐसा कौन सा ट्विस्ट है? हमें भी बताओ, हम भी जानना चाहते हैं। बस करो यार गाइस, तुम सब ये सही समय नहीं है ये सब जानने का, शांत रहो तुम सब। नहीं सूर्या, ये बिल्कुल सही वक्त है इनको ये समझाने का और ये बताने का कि जिंदगी की सबसे बड़ी गलती जो मैंने की वो ये कभी सोचे भी ना। मैं बताता हूं, ये कहानी है आज से एक साल पहले की, जब सूर्य और मैं एक साथ इसी रिजॉर्ट पर डांस सिखाया करते थे। सूर्य शुरुआत से ही कमाल का डांसर था। सूर्य के जैसा डांस सीखने की ख्वाहिश हर बच्चे में होती थी, और मैं शुरुआत से ही लोगों को यह सिखाया करता था कि एक अच्छा डांसर होने से पहले एक अच्छा इंसान होना सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन एक दिन हम सब के बीच उसका आना हुआ जिसने मेरी मंजिल की राहें बदल डाली। कैसी है मुश्किल उलझन में है दिल, कहना जो चाहे कहना पाए, क्या है ये मुमकिन रुक जाए ये दिन, साथ जो हम रहना चाहे इस जहां में है बहुत से नजारे, फिर भी दिल तुझको ढूंढता है इश्क मेरा। आराम है इश्क़।
बच्चों, आप सबके हिसाब से मंजिल क्या है और उस मंजिल के हिसाब से आपका सफर कैसा होना चाहिए, कोई बताएगा मुझे? सर, मेरी मंजिल एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बनना और मेरा सफर मेहनत से भरा हो। अच्छा, और कोई? सर, मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपनी लाइफ में कभी अपनी मंजिल मिलती ही नहीं, हम ऐसे ही अपना पूरा सफर खराब कर देते हैं। बिल्कुल सही, क्योंकि मंजिल मौत है और सफर का मजा लो। मेरा दूसरा सवाल, जिंदगी में खुश रहने के लिए आप सबको क्या चाहिए, मैं जानना चाहता हूँ। सर, चेहरे पर हंसी और खुशी। बिल्कुल, और कुछ? लाइफ में कभी ऐसी सिचुएशन आए कि मुझे कभी रोना पड़े। सर, मुझे लगता है कि लाइफ में मेरे पास इतना पैसा हो कि मुझे खुद खरीदने से पहले सोचना ही ना पड़े। आप सब खुश रहना चाहते हैं, सब कुछ लेना चाहते हैं, तो मैं एक बात बताऊं, जिंदगी में आप सबको अगर हर चीज आपको आपके हिसाब से भी मिले ना, तो भी केवल 5 मिनट अपने चेहरे पे स्माइल रखना आपके लिए तकलीफ देने का काम करेगा। क्या मतलब सर? मतलब ये कि चलो एक काम करो, एक बड़ी सी स्माइल करो। अरे सोचना क्या, करो ना, ऐसे करो, करो अब इसे 5 मिनट तक होल्ड करो, रोक के रखो, रोको 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 रोको, क्यों, कुछ समझे? तकलीफ दे रही है ना, मुश्किल हो रही है ना। ऐसे ही जब हम किसी के गुदगुदी करते हैं, छोड़ो, तो इंसान रोने लगता है, वो कहता है छोड़ो। यही ऊपर वाले की बनावट है कि आप उदास तो रह सकते हो लेकिन चेहरे पर केवल 5 मिनट की खुशी दुख देने का काम करती है। अब इन सब चीजों से सीखने को क्या मिलता है कि ना तो आने वाले कल का इंतजार करना है और ना ही आज जो हो रहा है उससे परेशान होना है। तो आज जो वक्त है वो सबसे बेहतर है। वैसे टीचिंग तो बहुत अच्छी करते हैं आप, नाम क्या है आपका? कृष्णा। कृष्णा, तो क्या आप मुझे बता सकते हो इन वादियों में खूबसूरत घूमने की जगह कौन सी है? इन वादी और नदियों से मेरा गहरा रिश्ता है और बच्चों को डांस सिखाने के अलावा मैं गाइड करने का काम भी करता हूँ। तो अगर आपकी क्लास खत्म हो गई है तो आप हमें भी गाइड कर दीजिए। हाँ जरूर। उसके बाद होती है कृष्णा की लव स्टोरी की एक खूबसूरत शुरुआत। रातों से सपने हैं यूं गुम, सुबह से शब को ढूंढता है ये खुशी या है गम, है दिल मेरा मुझसे पूछता है। आपको पता है हम हमेशा दिल लगा कर डांस करते हैं लेकिन हमारा दिल ना वो बहुत चंचल है, जल्दी भटक जाता है, इसलिए कभी भी डांस करो तो अपने अंदर की आत्मा से डांस करो। अंदर की आत्मा से, फिर चाहे आंखें खुली हो या बंद। ये डोर पीछे पीछे मुझे तेरी ओर खींचे, बस मैं नहीं हूं जब से तुम मिले, कहना है ये कि तुम बिन रातें कटे तारे गिन, बस मैं नहीं है ये दिल क्या करे। अब डांस करो अपने अंदर की आत्मा से। इस जहां में बहुत से नजारे फिर भी दिल तुझको ढूंढता है, इश्क मेरा बेनाम है साथ तेरा, आराम है इश्क मेरा बेनाम है साथ तेरा, आराम। Thank you.
फिर एक दिन फना करके मेरी रूह को चले हो तुम किस और को, ये जो कुछ है हकीकत है, तरसता हूँ देखने को। कभी यादों के साए में रख लूँ तुझको बसा के मैं, ये दर्द मेरा तुझे है पता, करूँ क्या बयां। ऊपर वाले, तुझे खेलना ही था तो किसी और चीज के साथ खेलता। तू हमेशा हम इंसानों को ही खिलौना समझकर खेलता है। अरे मेरी औकात और हालात दोनों तुझे पता थे तो इसीता को क्यों मेरी जिंदगी में लाया? अब खुश होगा ना तू? लेकिन याद रख, अगर इशिता मेरी नहीं हुई तो मैं उसे किसी और का होने भी नहीं दूंगा। ये सब क्या है कृष्णा? तुम और ये दारू, आखिर क्या हो गया मेरे भाई? बताओ मुझे, तुम ठीक तो हो ना? सूर्य मेरे दोस्त, मेरे भाई, हम साले डांस टीचर हैं और डांस टीचिंग की इस पूरी जिंदगी में सुबह से शाम तक हम दूसरों को जिंदगी का पाठ पढ़ाते हैं, लेकिन मैं कैसे बताऊं उसको कि हमारी खुद की जिंदगी की मां और बहन हुई पड़ी है, जहां हम जिंदगी की उस कश्ती पर सवार हैं जो कभी भी समंदर में पलट कर खत्म हो सकती है। सच का यार तुन कृष्णा, हम अपने खुद के ख्वाब को मार चुके हैं और दूसरों के ख्वाब को बनाने लगे हैं, लेकिन कोई क्या जाने कि एक डांस टीचर सबसे पहले एक डांसर ही होता है, जिसका ख्वाब होता है कि वो अपने औकात को बदले, लेकिन जब वो ये नहीं कर पाता ना, तो उसके बच्चों के सपने और उसके बच्चे के ख्वाब ही उसके अपने ख्वाब बन जाते हैं। इशिता मुझसे प्यार करती है और उसकी एक छोटी सी उम्मीद है कि मैं जल्द से जल्द कामयाब हो जाऊं, कि वो अपने माँ बाप को हम दोनों के बारे में बता सके। लेकिन मैं कैसे बताऊं उसको कि मुझे नहीं पता कि मेरा भविष्य क्या होगा, मैं कभी उसके स्टैंडर्ड को मैच कर भी पाऊंगा या नहीं। केवल झूठ में रख रहा हूं उसको कि तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। और क्या बोली वो? उसके घर वाले उसकी शादी के लिए फोर्स कर रहे हैं और वो मेरा इंतजार कर रही है। मुझे डर है कि अगर मैं सही वक्त पर नहीं पहुंचा तो उसके घर वाले उसकी शादी किसी और से ना कर दें। उस कहानी ने मेरी जिंदगी बदल दी, मेरी सोच को बदल दी, सब कुछ बदल गया, उथल पुथल हो गया। ना वो मेरी जिंदगी में आती, ना मुझे उससे मोहब्बत होती, पर ना ही आज मैं अकेला होता। इसलिए आज मैं आऊं और ये रिजॉर्ट से जुड़ी मेरी यादें, जिनके साथ वो मेरे साथ रहती है। ठीक है ना?
प्यार मैंने उससे किया, और प्यार में जरूरी नहीं कि वो मेरे साथ हमेशा रहे। गाइस वो इधर पार्टी चल रही है यार, तुम इधर क्या कर रहे हो? कृष्णा चलना यार पार्टी में, चलते हैं। चलो दोस्तों, वैसे भी मैंने तुम सबका बहुत सारा समय ले लिया, और आगे की कहानी फिर कभी बताऊंगा। कहाँ नहीं ढूंढा मैंने, तुम कहाँ चली गई थी? इसना सूर्या भी मुझे छोड़कर चले गया था, तुम भी मुझे छोड़कर चली गई थी। एक बार भी मेरे पे तरस नहीं आया कि मैं कहाँ हूं, किस हालत में हूं। हर दिन हर रात तुम्हें याद करता हूं। कृष्णा अब मैं आ गई हूं ना, अब मैं तुम्हें छोड़कर कभी कहीं नहीं जाऊंगी, अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। इशिता सिर्फ और सिर्फ कृष्णा की है। ठीक है तुम आ गई हो, मैं सूर्या को भी बुलाता हूं, यहीं रुकना। सूर्या 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 कहाँ है सूर्या? इशिता कहाँ है? इशिता नहीं है भाई, कहानी है, कहानी है इशिता, अभी तो यही थी इशिता। इशिता इशिता इशिता
इशिता, इशिता। उसके बाद कृष्णा हर रोज अपनी इशिता को ढूंढता है। हर रात बादलों के बीच तारों में उसे देखने की कोशिश करता है। और आज भी पूरे 3 साल बाद वो उससे उतनी मोहब्बत करता है कि पूरे शहर को अपनी दास्तां रेडियो पर खुलेआम बयां करता है, क्योंकि आरजे कृषि उस कहानी का कृष्णा है। फना करके मेरी रूह को चले हो तुम किस और को, ये जो कुछ है हकीकत है, तरसता हूँ देखने को। कभी यादों के साए में रख लूँ तुझको बसा के मैं, ये दर्द मेरा तुझे है पता, करूँ क्या बयां।